नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। स्ट्रांग रूम की रखवाली कर रहे हैं केंद्रीय रिजर्व बल, पीएसी और पुलिस के जवान। 14 को होगा मतगणना, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। चुनाव प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान की स्क्रूटनिंग, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि रहे मौजूद। गोलघर स्थित साड़ी की दो दुकानों में चोरों ने सेंध काटकर लाखों की नकदी उड़ाए। चाबी लेकर वोट डालने घर गए बिजली विभाग के एक कर्मचारी की वजह से उपभोक्ता हुए घंटों परेशान। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने 11 जिलों के विस्तारकों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी गांव और मंडल स्तर पर सुनने की तैयारी की समीक्षा। मतगणना कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना की बारीकियों की दी गई जानकारी। नवलकांत तिवारी यूपी 100 डायल और नमामि गंगे परियोजना के ब्रांडिंग के लिए नोडल बनाए गए। गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण का हुआ समापन। अंतिम दिन श्री कृष्ण विवाह कथा को सुनकर झूम उठे भक्त। और अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी ने रेलवे वर्कशॉप टीम को किया 10 विकेटों से चित। अब खबरें विस्तार से। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का उपचुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रख दिया गया है, जहां इसकी सुरक्षा 3 चरणों में की जा रही है। पहले चरण में यूपी पुलिस, दूसरे चरण में पीएसी के जवान और तीसरे चरण में केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान लगाए गए हैं, जिनमें 2 कंपनी केंद्रीय रिजर्व बल, 1 प्लेटून पीएसी, 5 गार्ड, 3 इंस्पेक्टर और 40 कांस्टेबल इसमें शामिल हैं, जो स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। गोरखपुर शहर विधानसभा के ईवीएम विश्वविद्यालय के कला संकाय में, गोरखपुर ग्रामीण के ईवीएम दीक्षा भवन में, सहजनवा और पिपराइच विधानसभा के ईवीएम वाणिज्य संकाय में और कैंपियरगंज के ईवीएम बैडमिंटन हॉल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखे गए हैं, जिसकी मतगणना 14 मार्च को सुबह 8 बजे से होगी। जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बताया कि 14 मार्च से सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम से ईवीएम और वीवीपैट निकाले जाएंगे और गिनती शुरू होगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। मतगणना के लिए 14-14 टेबल लगाए जाएंगे और लगभग 30 राउंड गणना होगी। परिणाम 4 घंटों में आने की उम्मीद है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने बताया। और बैक एरिया देखना तो उधर फ्रंट का भी है। आपके राउंड कितने निकले? देखिए, कल का जो पोलिंग समाप्त हुआ है 11 मार्च का, इसके जितने भी हमारे इलेक्शन मटेरियल और वोटिंग मशीन और वीवीपैट्स हैं, वो कल देर रात्रि में, मध्य रात्रि के बाद तक उनकी कार्रवाई चलती रही और उनका सीलिंग ऑब्जर्वर, जो कंट्रोल रूम का सीलिंग है, वो ऑब्जर्वर्स की और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में कल देर रात्रि में हो गया है। और वो जो हमारा CPMF है, उसकी सेफ कस्टडी में स्ट्रांग रूम में
हमारी ईवीएम जमा है। अब ये बीच के दो दिन हैं 12 और 13, 14 को काउंटिंग की कार्रवाई सुबह 8 बजे से इन सभी जो हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इन सभी में शुरू होगी, और इसमें प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 14-14 टेबल्स लगाने की व्यवस्था है, और इसके अलावा जो पोस्टल बैलेट्स हमारे आएंगे पोस्टल बैलेट्स की गिनती की व्यवस्था है, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में जो हमारी टेबल होगी वो वाणिज्य संकाय में वहाँ पर रहेगी, क्योंकि वहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पिपराइज और सज्जन वाले। इसके अलावा ग्रामीण की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो हमारी दीक्षा भवन के परिसर में, और कला संकाय में गोरखपुर शहर है, और जहाँ हम लोग बैठे हैं समाज भवन के सामने बैडमिंटन हॉल में, इसमें कैंपियंस कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये सभी पाँचों एसीज में एक साथ ही काउंटिंग शुरू होगी, और क्योंकि एक एसी में 14 टेबल्स लगी हैं, और अमूमन एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में 400 और उससे अधिक बूथ्स हैं, तो सीधे सीधे ये मान के चलिए कि करीब प्रत्येक एसी में 30 राउंड और उससे अधिक होंगे, और स्ट्रांग रूम सुबह हम लोग खोलेंगे 6 बजे, उसको खोल देंगे ऑब्जर्वर्स की और कैंडिडेट्स की उपस्थिति में। सबसे पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करेंगे, और जैसे मैंने आपको बताया कि बाड़े संकाय में जहां पर आरओ टेबल होगी वहीं ऑब्जर्वर्स होंगे, वहीं पर कैंडिडेट्स होंगे या उनके चीफ इलेक्शन एजेंट होंगे, उनकी उपस्थिति में पहले हम लोग पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू करेंगे, और पोस्टल बैलेट की गिनती चलती रहेगी, उसके करीब आधे घंटे बाद हम लोग कंट्रोल यूनिट्स की गिनती शुरू करा देंगे, और क्योंकि 30 राउंड्स और 30 से ज़्यादा राउंड्स हैं, 30 प्लस राउंड्स हैं, और एक राउंड में अमूमन करीब 8-10 मिनट लगता है, तो ये आप मान के चल सकते हैं कि लगभग दोपहर तक 5-6 घंटे ये काउंटिंग की कार्रवाई चलने वाली है, और उसके बाद टेबुलेशन जब कंप्लीट हो जाएगा और ऑब्जर्वर्स की सहमति से उसके बाद निर्वाचन परिणाम की घोषणा हम लोग करेंगे। इसमें हमारे क्योंकि एक टेबल में हमारे 4 स्टाफ लगने वाले हैं, तो 70 हमारी टेबल्स हैं पांचों में मिला के, तो उसमें लगभग 300 स्टाफ और कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ रहेगा। हम लोग आज अपराह्न में 3 बजे दीक्षा भवन में अपने काउंटिंग स्टाफ की ट्रेनिंग करने वाले हैं, जिसमें लगभग 400 कर्मचारी हमारे उपस्थित होंगे। हमारे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो भारत सरकार के या जो बैंक्स हैं जो या PSUs हैं उनके माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी हम रखेंगे पारदर्शिता की दृष्टि से ECI के इंस्ट्रक्शंस के अनुरूप, और ये ट्रेनिंग आज भी देंगे, कुछ पार्ट हम लोग कल देंगे, और जो हमारे काउंटिंग एजेंट्स की बनने की व्यवस्था है वो भी इसी बीच हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो लोग संपन्न करा लेंगे। जो पोस्टल बैलेट्स हम लोगों के 13 तारीख की शाम के बाद आएंगे, उसके लिए हमने व्यवस्था की है, पोस्टल डिपार्टमेंट के साथ पूरा टाई अप किया है, एक नोडल ऑफिसर उनका है एक हमारा है, तो ये सुबह 8 बजे से पहले जो पोस्टल बैलेट्स 13 तारीख के अपराह्न के बाद प्राप्त होंगे पोस्टल डिपार्टमेंट को, वो हमारे जहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती होनी है वहाँ पर ARO को प्राप्त कराएंगे। इसके लिए हमने व्यवस्था की है, क्योंकि ये नियम है कि अगर 8 बजे के बाद भी पोस्टल बैलेट आता है तो वो गिनती में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, उसकी भी हमने व्यवस्था की है। हम लोग हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्क्रीन्स भी लगाएंगे, और हर राउंड का जो वहाँ पर डिस्प्ले होगा, जो हर राउंड का जो कंप्यूटिंग होगा, वो हम उस पर दिखाते चलेंगे, जिससे कैंडिडेट्स को और उनके एजेंट्स को उसको नोट करने में सुविधा बनी रहे, और हम लोग सुव्यवस्थित रूप से इस काउंटिंग की पूरी कार्रवाई करा सकते हैं। 11 मार्च को हुए मतदान की स्कूटनिंग विश्वविद्यालय के संवाद भवन में की गई, जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर राजीव रौतेला, चुनाव प्रेक्षक माधवी, सुबोध कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अनु सिंह सहित सभी असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में बूथों पर पड़ने वाले 15% से अधिक और कम पोलिंग की समीक्षा की गई, जिसको चुनाव प्रेक्षक ने प्रत्याशियों के सामने लाया। Thank you.
बैंक थाना क्षेत्र के गोलघर स्थित श्याम नंद बंका की आकाश दीप साड़ी सेंटर, विनायक बथवाल की सवेरा बथवाल साड़ी सेंटर की दुकान में रविवार को रात चोरों ने पीछे से सेंध लगाकर लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। बथवाल की साड़ी साफ में चोरों ने शौचालय की दीवार से सेंध काटा और अंदर घुस गए और कैश काउंटर से 3,40,000 रुपए उड़ा ले गए। इसके बाद आकाशदीप साड़ी सेंटर में चोरों ने दुकान के पीछे से घुसकर कैश काउंटर तोड़कर उसमें से 2,50,000 उड़ा दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सवेरा बथवाल साड़ी सेंटर के प्रोपराइटर विनायक बथवाल और आकाशदीप साड़ी सेंटर के प्रोपराइटर श्याम नंद बंका ने बताया, सुबह हमको पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है, मेरे पापा मम्मी बाहर गए हुए थे, तभी हमको फ़ोन आया कि हमारी सेंध कट गई है पीछे से। हमारे साथ साथ पीछे एक और दुकान थी, दोनों जगह एक साथ हुआ है। तो बाथरूम वाली जो वॉल थी वो उसमें से टूटा हुआ था सब कुछ, और वहाँ से आदमी घुस कर हमारा कैश बॉक्स वगैरह निकाला। लगभग 3,40,000 के अराउंड का नुकसान हुआ है, और बाकी स्टॉक का तो हम कह नहीं सकते कुछ भी। मेरे ख्याल से कैश का ही नुकसान है, दोनों जगह कैश का ही नुकसान है। सामान कुछ नहीं गया, सामान लग तो नहीं रहा है। कैरियर वगैरह दे दी गई है, जिन लोगों पे शक है उन लोगों के बारे में भी बता दिया गया है, बाकी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कल क्योंकि बंदी थी तो शायद उस वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है, लेकिन अब आज से आज और भी आए थे ऑफिसर वगैरह, तो देखिए उम्मीद है कि कुछ होगा। और इस जगह बहुत थोड़ी जगह है, करीब 8 इंच की जगह, इसमें किसी छोटे बच्चे को चढ़ा के उतारा इन्होंने, और फिर ये उतर के यहाँ से, ये मेरा दरवाजा था आगे, दरवाजे को तोड़ के और काफी भारी भारी औजार मिले थे, मेरी दुकान में ही सारा छोड़ गए थे, वो हमने पुलिस में जमा करा दिए और उस गल्ले को तोड़ के सारा कैश ले गए। दुकान में परसों बीती रात 10 और 11 की रात के बीच में पीछे से सेंध लगा के जो है चोरी की गई। इसमें हमारी 14 इंच की दीवार और टीन का शेड काट के चोर अंदर दाखिल हुए और हमारा सारा कैश ले गए। और हम मेन गोलघर में एकदम यहाँ पे पुलिस का हमेशा 50 कदम पे जटेपुर चौकी है, पुलिस हमेशा रहती है, उसके बाद भी कम से कम 4 से 5 की संख्या में चोर आए होंगे और उन्होंने सारा हमारा दुकान में हाथ साफ कर दिया। कैश लिया था क्योंकि सैटरडे को बैंक बंद होने से फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन का कैश था, प्लस कुछ कैश हम दुकान में अपने रखते भी हैं किसी जरूरत के हिसाब से, वो सारा कैश करीब ले गए, करीब 2.5 लाख के लमसम। सोमवार को कार्यालय अधिशासी अभियंता विद्युत नगरी वितरण खंड द्वितीय बक्सीपुर में बिजली का बिल जमा कराने आए उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ी, और इसका कारण था मुख्य गेट और कंप्यूटर कक्ष की चाबी विभाग का एक कर्मचारी वोट डालने घर लेकर चला गया और विभाग का उसे कोई संपर्क ना हो पाया, जिसके कारण विद्युत बिल जमा कराने आए उपभोक्ताओं को घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बिजली का बिल जमा कराने आए उपभोक्ताओं और अधिशासी अभियंता विद्युत नगरी वितरण खंड द्वितीय के जेई मोतीलाल भारद्वाज ने कहा, अपना बिल लेकर आएगा और
बताया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश श्रीवास्तव है, मैं गोरखपुर दीवानी कचहरी में एडवोकेट हूँ जी। मैं बिल जमा करने आया हूँ और इस समय 10:40 हो गया है और अभी तक इसका ताला बंद है। क्या क्या पता चला है? पता चला है कि चाबी भूल गए हैं और अभी चाबी लेने कोई आदमी गया, मैं एक घंटे से परेशान हूँ। ये हाल है यहाँ का। ये आ गया रंजीत बहादुर सिंह जी। कहाँ आए यहाँ पे विद्युत बिल जमा करने? कहाँ पे? बक्सीपुर। क्या हुआ? उत्तराखंड द्वितीय में। उत्तराखंड द्वितीय में? उत्तराखंड द्वितीय। क्या अभी तक जमा होगा? अभी कहाँ था, 9 बजे से खड़े हैं, अभी तक कोई आया नहीं। ये सीएम सिटी का ये हाल है। क्या दिक्कत? क्या दिक्कत? कोई चाबी घर भूल गया, उनके पास मोबाइल नहीं है। 9 बजे से आए हैं और कह रहे हैं कि चाबी घर भूल गए हैं और उनके पास मोबाइल भी नहीं है कि उनको खबर किया जाए। तो सुबह 9:45 आए थे। बशीर अहमद हूँ, दूरदर्शन से कर रहा हूँ और मैंने सोचा कि मैं पहले बिजली का बिल जमा कर दूँ, फिर टेलीफोन का जमा करूँगा। लेकिन यहाँ पब्लिक उससे पहले भी आई हुई है, लेकिन अभी तक 11:00 बज रहा है, लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। गेट भी नहीं खुला है। तो आएंगे, फिर सफाई होगी। सफाई होगा पता चला वो आदमी छुट्टी ले लिया है और चाबी SDO साहब को दे दिया है। SDO साहब भी नहीं आए, तो अब देखिए आप ताला ये बंद है। ऑफिस आएंगे तो 15-20 मिनट वो इसमें लगेंगे, फिर कहेंगे सर्वर डाउन है, तो कहते हैं वापस जाते हैं और एक मिनट लेट हो जाता है तो लेते नहीं है, कहते हैं कि वो काउंटर क्लोज। इसलिए टाइम से आना चाहिए, पब्लिक देखे परेशान है, उनके पास और भी तो काम होते हैं घर के। ताकि ये लापरवाही ठीक नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। हेलो सर, काफी है भीड़। बिल आपकी कब से जमा नहीं हुई है? तो क्या करें बताइए, क्या करें? वजह से नहीं मेन नहीं है, काउंटर का एक दिन तो बता रहे स्टाफ हो गई है, काउंटर का बंद है ना, मेन गेट नहीं है, लेकिन जो मेन है काउंटर बंद है ना, काउंटर खुलना चाहिए ना। और हो गया होगा, कौन से है? फरवरी मार्च हो गया ना। चलिए ठीक है, हमसे बात करते हैं 5 मिनट। ठीक ठीक है। अरे आसपास टाइम हो रहा है और बिजली विभाग का जो है बिल वाला जो विभाग खुला नहीं है सर, क्या है वजह? एक्चुअली जो काउंटर होता है, काउंटर की चाबी है और जो बाहर लगा रहते हैं उसकी जो चाबी है, तो हमारे कर्मचारी है जो हमेशा खोलते हैं, सुबह आते हैं खोलते हैं साफ करते हैं, ठीक है। और वो कम वोट देने घर गए थे, तो घर चले गए थे, तो वो क्या हुआ कि जैसे अभी आ नहीं पाए, तभी चाबी अपनी छो गया, अभी आ नहीं पाए हैं, तो उसमें घर से चाबी मंगवाया जा रहा है, चाबी अभी आ जाएगी, 5 मिनट खुल जाएगा। तो अभी काफी भीड़ लगा हुआ है कैसे? हाँ, भीड़ लगा हुआ है, भीड़ तो है, लेकिन खुल जाएगा 5 मिनट भी। कुछ लापरवाही नहीं? नहीं नहीं, लापरवाही से बात नहीं, बिल्कुल नहीं। पर डे खुलता है, 10 बजे तक काउंटर पर डे खुल जाता है, आज बस वो देने चले गए, इसकी वजह से नहीं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, लापरवाही बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो अभी आ जाते 5 मिनट खुल जाएगा, खुल जाएगा। अरे खुलने दीजिए ना, खुल जाएगा, खुल जाएगा, पीछे हट जाएंगे। अरे 3-3 काउंटर चलेगा, अभी हो जाएगा, क्या करवा रहे हैं आप? चलिए वही है ना, भैया 76 देखो 76 लास्ट, हाँ 76।
और कार्यालय भी बंद है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार। वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोमवार को बेनीगंज स्थित भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय पर मासिक विस्तारक योजना बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने कहा कि भाजपा योगी सरकार की एक साल की उपलब्धियों को गांव-गांव, मंडल और जिले में ले जाएगी। योगी सरकार ने पिछले एक वर्ष में किसानों के 36,000 करोड़ कर्ज को माफ किया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के लिए अलग से कार्य योजना तैयार की गई है। प्रदेश सरकार ने विगत एक वर्ष में धान व गेहूं की रिकॉर्ड खरीद कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने उपस्थित सभी विस्तारकों से कहा कि 25 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सभी गांव व मंडल स्तर पर सुनवाने की तैयारी की समीक्षा कार्यक्रम को सफल जरूर बनाए। बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री चिरंजीव चौरसिया, विस्तारक अतुल श्रीवास्तव, प्रशांत मिश्रा, प्रेम प्रकाश अग्रहरी, अशोक यादव, लक्ष्मी नारायण माधवेंद्र, पुनीत सत्यप्रकाश सहित सभी 11 जिलों के विस्तारक उपस्थित रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, जिले के पदाधिकारी कर सकते थे, जिले के पदाधिकारी जरूरी नहीं है आपकी मंडल की बैठक में जाए। मंडल 120 कितने सेक्टरों में आपको जाना हुआ? 5 कुल बूथ कितने हैं? 1300 तो किया क्या फिर आपने इस पूरे महीने किया क्या? मंडल आप गए नहीं, बूथ आप गए नहीं, तो मान लो आप कह रहे हो कि 10 दिन नहीं थे, 18 दिन तो थे, कई दिन थे, 12 दिन, 16 दिन थे ना, फिर 15 किसी को नहीं कर रहे, एक दिन आप बूथ चले, 16 दिन क्या कर रहे थे? किसी से बात नहीं की मंडल अध्यक्ष से? नहीं मतलब आज की बैठक में आए हो तो पूछ तो लेते हैं कि आपके मंडल में कितने बूथों पर क्लब खेल उससे हुआ, क्यों जान गई हूँ, किसी से मुल्ला हुआ नहीं हुआ, नए लोगों से हुए नहीं हुआ, कितने से 26 की 27
क्यों अंदाज बताएंगे भाई? कुछ है नहीं बताएंगे। आप अंदाज क्यों बताएंगे? आप पहले महीने के भी सड़क है नहीं, 10 महीना 12 महीना हो गया। हम सब लोग आपको ताकत देते कि आप जिले में संक्रमण मंत्री भूमिका में। ये विस्तारक बैठक है जो नियमित बैठक होती है, प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह में बैठकें होती हैं। इस बार चुनाव के नाते बैठक थोड़ी 4-5 दिन देर में हुई है। हमारे प्रदेश के महामंत्री विजय बहादुर पाठक जी विस्तारक योजना के प्रदेश के प्रमुख हैं, और इस नाते पूरे प्रदेश में जो जितने क्षेत्र हैं हर क्षेत्रों में जो बैठकें होती हैं उसमें विजय बहादुर पाठक जी का जाना होता है, और इसी दृष्टि से ये बैठक है। इस बैठक में हमारे जो विस्तारक हैं जो हर विधानसभाओं में आगे आगामी 2019 चुनाव की दृष्टि से जाने वाले हैं, मंडल सेक्टर और नीचे तक कार्य करने की दृष्टि से इनका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, इसी प्रति ये बैठक है। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव की मतगणना 14 मार्च को होनी है, जो सुबह 8 बजे से की जाएगी। विधानसभावार अलग अलग स्थलों पर की जाएगी, जिसके लिए मतगणना कार्मिकों को विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन के सभागार में ट्रेनिंग भी दी गई, जिसमें 300 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। कार्मिकों के प्रशिक्षण देते हुए अपर कार्मिक प्रशिक्षण अधिकारी ने ईवीएम से वोटों की गिनती की बारीकियों की जानकारी दी। आपकी सुविधा के लिए बता दें, सकती है जो गणना होगी वो बूथ वार होगी, यानी जैसे 14 टेबल है तो बूथ नंबर 1 की जो जो कंट्रोल यूनिट है वो टेबल संख्या 1 पे आएगी। इस तरह से 14 हो जाएगा, फिर जो 15वां कंट्रोल यूनिट है वो टेबल संख्या 1 पे आएगा। इस तरीके से चक्रवार मतगणना आपकी चलती रहेगी। आपके साथ जो काउंटिंग सुपरवाइजर के साथ जो काउंटिंग असिस्टेंट लगे हैं, ये आपस में आपको वर्क डिवाइड कर लेना है। मशीन को जैसे ही ये आती है टेबल पर, इसके जो कैंडिडेट्स हैं जो लगे हुए टैग्स हैं इधर भी इधर भी, जो टैग बता दें कर्ताओं को ये कम्प्लीटली इंटैक्ट है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। बट इन केस अगर ऐसा होता है कि कैरी करने में या स्ट्रॉन्ग रूम में रखने में कहीं रगड़ खा करके बाइक में कोई अगर इसमें से आपका जो एड्रेस टैग है वो घिस गया है या छूट गया है, तो ये बहुत मीनिंग नहीं लगता है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो कंट्रोल यूनिट है, मैंने आपको बताया कि समस्त कर्ताओं में कहा गया है कि वो भी प्रातः 7 बजे हर हाल में उपस्थित हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है कि जो कंट्रोल यूनिट में आप देखेंगे कि इस साइड में एड्रेस टैग, जब से एड्रेस टैग लगा करके ये सील रहेगा, तो पहले सबसे पहले आप एड्रेस टैग वाले इस पोर्शन को आप ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर जो कैंडिडेट सेट खंड का जो आपका सील है या एड्रेस टैग लगा हुआ है इसके साथ कुछ नहीं करना है। और जो नीचे रिजल्ट सेक्शन का जो सील है इसे आप तोड़ेंगे, हटाएंगे, हटा करके और जो ये सफेद रंग का ABCD वाला रैपर है इसे आप कट करेंगे और काट करके इसको आप हटाएंगे। इस तरीके से ये जो आपकी स्ट्रिप सील है ABCD वाली ये हट जाएगी। ग्रीन पेपर सील से ऑलरेडी ये सब चस्पा है, इसे हटाने के बाद तब आप इसके इस दरवाजे को आप खोलेंगे। इस दरवाजे को खोलने के बाद ये देखें, अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, कमीशन का ये निर्देश है कि अगर इसकी सील के साथ भी ऐसे ही रगड़ा गया है या घिस गया है, चलिए तभी वो एक्सक्यूज है। इसको खोलने के बाद जो अंदर की आपकी जो ये ग्रीन पेपर सील है, ग्रीन पेपर सील में किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं है, एंड वो प्रॉपरली इंटैक्ट है, ये सुनिश्चित किया जाना है। ये सब चीजें ठीक से वहां उपस्थित अधिकर्ताओं को दिखाना जरूरी है, जिसे आप फाड़ेंगे फाड़ने के अंदर की जो दुनिया है उन्हें अंदर की ओर प्रेस करके आप इसे निकालेंगे। इस तरीके से मतलब इसको आपको खोलना नहीं है, ये मैंने खोल करके आपको दिखा दिया कि जैसे आप उसको ऐसा छेद करेंगे कि जो रिजल्ट का बटन है इस तरीके से इंटैक्ट रहेगा। जो रिजल्ट बटन है पीले रंग का
इस तरह से सुखाइए ये रिटर्न प्रोग्राम दिखने लगे। शासन ने उपनिदेशक सूचना नवलकांत को यूपी 100 डायल और नमामि गंगे परियोजना के ब्रांडिंग के लिए नोएडल बनाया है। एनके तिवारी विगत कुछ माह पूर्व गोरखपुर जनपद में उपनिदेशक सूचना के पद पर तैनात थे। वर्तमान में श्री तिवारी सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय लखनऊ में उपनिदेशक सूचना के पद पर तैनात हैं। उपनिदेशक सूचना नवलकांत तिवारी ने बताया कि यूपी 100 डायल के प्रचार के लिए शॉर्ट फिल्म बनाकर प्रदेश के जिलों में 30 मोबाइल LED वैन भेजे गए हैं, जो कि प्रत्येक जिले में 5 दिन रहकर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार फिल्म का प्रदर्शन और प्रचार करेंगे। सोमवार को रस सिद्ध संत परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की 47वीं पुण्यतिथि के अवसर पर गीता वाटिका में कथा परिसर में वृंदावन से आए कथावाचक लक्ष्मी नारायण शास्त्री के श्रीमद् भगवत पुराण कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण विवाह अध्याय एवं श्रद्धालुओं को कथापान कराया और इसके साथ ही श्रीमद् भगवत पुराण महाकथा का समापन हो गया। सुनने आए आसपास के श्रद्धालु कथा परिसर में श्री कृष्ण विवाह कथा सुनकर झूम उठे। संस्कार के लिए करता है अर्जुन महाराज, तो किस समय कृष्ण ने झपट्टा मारा सिर को नहीं और बाबा घूमते घूमते पूरी द्वारिका में जाकर देखा एक बालिका और बोले मणि भी आप दहेज में ले लो, मणि आप दहेज में ले लो। श्री कन्हैया प्रकार से एक बार की बात क्या हुई, एकदा पांडवान दुष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमा इंद्रप्रस्थम गत श्रीमान। एक बार क्या हुआ, इंद्रप्रस्थ में गए अर्जुन और श्री कृष्ण गए, अब तो मैं भुआ कुंती से कहा आप रसोई तैयार करो, हम यमुना स्नान करके आते हैं। तो गए जाकर देखा, देखा यमुना स्नान करने गए, अर्जुन गया घूमता हुआ। अर्जुन ने सोचा देखूं ये कोई कन्या है, ये विवाह कर, ये कन्या है जो तपस्या कर रही है। गए पास में परिचय पूछा अर्जुन ने, कौन हो आपका परिचय क्या है और आप किस लिए तपस्या कर रही हो। बोले हम देवस्य सविता दुहिता पतिमिच्छति, मैं भगवान सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी माने यमुना मेरा नाम है, और मैं भगवान विष्णु को नान्य पति विलय वीरम, मैं भगवान विष्णु को पति रूप में वरण करना चाहती हूँ, तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने विचार किया, भैया गजब हो गया, आए कन्हैया के पास, कन्हैया तुम्हारी बृहस्पति बड़ी किलकार करके बोल रही है। बोले क्या है, बोले जहाँ पर जाते हो वही दुल्हन तैयार मिलती है, पूरी बात बताई। और यहाँ पर चौथा विवाह कालिंदी के साथ में यमुना पटरानी के साथ में विवाह हो गया। आगे कहते महाराज बिंदान बिंदु बावंतो दुर्योधन बशानको, महाराज ये बिंदु और अनबिंद नाम के दो राजा हैं जिनकी बेटी का नाम मित्रविंदा है और मित्रविंदा के साथ में भगवान ने विवाह किया है। इस प्रकार से आगे बता कहका करके बताया है। आगे नग्नजित नाम कौशल्य, कौशलपुरी के एक राजा हैं जिनका नाम, जिनकी बेटी का नाम नग्नजिति है और इन्होंने कौशल देश के राजा ने शर्त लगाई थी, जिनके यहाँ पर 7 बैल थे, बड़े बड़े मारने वाले खूंखार बैल थे जो आदमी की गंध को देख करके मारने को दौड़े, 7 बैल इनके यहाँ पर थे। इन्होंने प्रतिज्ञा की थी जो जो कोई वीर पुरुष एक ही मुहूर्त में 7 बैलों को नाथ देगा उसके साथ में मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सुखदेव जी महाराज को हंसी आ गई, और जो जगन्नाथ है जगत के नाथ है क्या वो 7 बैलों को एक साथ में नहीं नाथ पाएंगे, और गोविंद आए हैं उन्होंने 7 बैलों को एक साथ में नाथ दिया है। शब्द वो प्रशांत और महाराज नगर जी के साथ में भी भगवान का विवाह हुआ है। इस प्रकार से बताया है सुत कीर्ति सुतान भद्रा मुख्य मेरे पुत्र जो है महाराज भद्रा के साथ में सुत कीर्ति की जो बेटी थी भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ है। और मध्य देश के राजा थे, मध्य देश के राजा की बेटी का नाम था लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। इस प्रकार से कहा है ये 8 पटरानियां जो मुख्य रूप से थी इनके साथ भगवान ने विवाह किया। भीष्मी जामती भामा सत्या भद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्रवृंदा च चेतुवस्त्र महास्त्रियो, ये पट महास्त्रियो की कथा कहकर के सुनाई। आगे कहते महाराज एक बार की क्या बात हुई, यहाँ पर प्रसन्न कहकर के बताया है भौमासुर, भौमासुर नाम का जो राजा है जो राक्षस है, ये दुष्ट राजा ने क्या किया महाराज, ये धरती के अंश से पैदा होकर के आया है, इसको ऐसा वरदान था, इसको ऐसा वरदान लगा हुआ था जब तक धरती माँ नहीं कहेंगी तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो। और इसने महाराज क्या किया 16,100 कन्याओं का अपहरण किया,
राजकुमारियों का अपहरण किया और अपनी कारागार में बंद कर लिया। बोले जब उनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी एक साथ इनके साथ प्रभाव करूंगा। और महाराज उन्हीं के से प्रकट होकर के आया था उसी समय। कहते हैं जब ये मुरनाम का राक्षस मादी के कुंडलों को लेकर के चला गया और इस प्रकार से बताया है छत्र को लेकर के चला गया तो श्री कृष्णचंद्र भगवान ने सत्यभामा को साथ में लिया। सत्यभामा जैसे भगवान की दो पत्नी मानते हैं ना, श्री देवी भूदेवी, ये भूदेवी ही धरती ही सत्यभामा के रूप में उत्पन्न होकर के आई है। भगवान साथ में लेकर के गए और साथ में लेकर के जैसे ही युद्ध होने लगा उसी समय महाराज क्या हुआ, भूमि देवी ने सत्यभामा ने कहा नमस्ते देव देवेशो शंख चक्र गदा धरो, आप इसको समाप्त करें। बोले मैं तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, इसको इसी प्रकार का वरदान था। और जब कहा और इस प्रकार से महाराज जाकर के इसको इनको ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया है। और इनकी जो राज्यान कन्या नाम जो 16,100 कन्याएं इनके राज्य में जेल में कैद थी उन सभी को मुक्त कराया। और महाराज जब मुक्त कराया तो बोले देवी आपको अपने अपने घरों को चली जाओ। गोविंद ने कहा, इन पारी कन्याओं ने कहा देखो प्रभु ऐसा है अब घर तो हम जा नहीं सकती और समाज की दृष्टि में हम दूषित मानी गई है, अब क्या करें, हम आत्महत्या करें क्या करें। गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, जिसको दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करता उनको मैं स्वीकार करता हूँ। और सुखदेव जी महाराज कहते अथो मुहूर्त एक नाना गारिशता स्त्री एक ही मुहूर्त में 16,100 मंडप बनवाए और 16,100 ब्राह्मणों के साथ अपने रूप भी 16,100 बनाए गोविंद ने और एक ही मुहूर्त में सभी के साथ में विभाग किया है। बोलो गोविंद भगवान और महाराज इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज कह रहे दासी सता रोधो दासम। महाराज जो भी भगवान के विभाग कितने हो गए 16,108 और सबके यहाँ पर दासी सता 100-100 नौकरानी सेविका एक एक रानी के पास में भगवान ने व्यवस्थित की है। उसके बाद भी जो भी श्री कृष्ण की रानियां हैं वो प्रभु की सेवा अपने हाथ से करती है। ये प्रसंग कहकर के बताया भैया घर में कितने भी नौकर नौकरानियां हो पर पति की सेवा और परमेश्वर की सेवा ठाकुर बाड़ी में सेवा अपने हाथ से ही करनी चाहिए। ये प्रसंग कहकर के बताया है। तो महाराज आगे प्रसंग कहकर के बताया अब भगवान एक दिन देवी रुक्मणी के पास में विचार करने लगे। दो प्रकार की नायिकाएं शास्त्रों में मानी गई हैं। जो देवी रुक्मणी है ये कैसी है, ये गोविंद के सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहती है, कभी गुस्सा नहीं करती। और एक सत्यभामा है जो मणि वाले बाप की बेटी है ना, हाँ उसके सामने प्रभु हाथ जोड़ के खड़े रहते, समझ गए मेरी। हाँ तो जैसे जैसे तो महाराज इस प्रकार से बताया पर उन्होंने विचार किया कि जो सत्यभामा है ये तो अकड़ के रहती है, टेढ़ी आंख बना के रहती है, पर देवी जो रुक्मणी है ये कभी क्रोध नहीं करती, मैंने तो क्रोध करते नहीं देखा। उसी समय महाराज अब बहुत सारे बच्चे परिवार में हो गए हैं, 10-10 बेटा भी हो गए हैं, अवस्था ढलने लगी है और प्रभु को हमारे प्रभु को ऐसा लगा मैं तो छेड़ के देखता हूँ ये क्रोध करके कैसी लगती है। देवी रुक्मणी के पास आए, देवी रुक्मणी देखो मैं तो आत्मा राम हूँ, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, तुम्हारा पत्र आया तो मैं तुमको लेने के लिए चला गया। और वैसे भी मैं तो ग्वालिया बिना पढ़ा लिखा पोखरा का पानी पीने वाला तो राजकुमारी सुंदर भी मैं काला कलूंगा, फिर भी अब ऐसा है अब जो कुछ हुआ सो हुआ, तो मैं पसंद नहीं आया हूँ, तुम्हारा मेरा मेल भी नहीं, मैं तो ऐसे ही चला गया था बस तुम्हारा पत्र आया। यदि तुम्हारा मन नहीं ऐसा हो तुम अपने अब मेरे यहाँ से जा सकती हो स्वतंत्र हो। जैसे ही महाराज इस बात को सुना और देवी रुक्मणी को पसीना आ गया, मूर्छित हो गई। अरे गोविंद ने सोचा ये क्या हुआ, मैं तो हंसी कर रहा था, पंखा करने लगे अपने दुपट्टा से गोदी में लिया। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने विशेष विस्तार में हम चाहेंगे नहीं, समय के हिसाब से कथा भी पूरी करनी है। तो गोविंद ने शिक्षा दी, सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा परीक्षित व्यापार में काम में धंधे में गोविंद ने शिक्षा दी मैं 16,108 पत्नियों का पति हूँ, सभी के 10-10 बेटा है रानियों के, एक एक बेटी भी है, उसके बाद में मैं परिवार में कैसे रहता हूँ, सब सबके साथ में प्रेम पूर्वक व्यवहार करके रहता हूँ।
को ये शिक्षा दी है क्योंकि हम भी घर में रहें, परिवार में रहें, व्यक्ति दुखी तो अपने आप ही है, परिवार में प्रेम से रहें, हंसी मजाक करते हुए रहें, मनोविनोद करते हुए रहें, ये शिक्षा प्रदान की। आगे तो भोले फिर हमारा आपका एक धोखा बोले कुछ भी हो तो जो है हम तो भक्त के बस में है, भोले बाबा ने कहा वापस नहीं लौट सकते। हम तो महाराज श्री कृष्णचंद्र भगवान ने धनुष से बाण छोड़ा और जो युद्धा थी ध्वजा नीचे गिर पड़ी। क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच रेलवे वर्कशॉप और अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए रेलवे की टीम 30 ओवरों में 99 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आकाश ने 4 ओवरों में 5 रन देकर 3 और शरद ने 6 ओवरों में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। 100 रनों का पीछा करने उतरी अक्की स्पोर्ट्स ने 17 ओवरों में ही इस लक्ष्य को बिना कोई विकेट खोए हासिल कर लिया। अक्की की तरफ से युवा बल्लेबाज राजदीप ने 59 रन और रोहन ने 35 रनों की नाबाद पारी खेली और शत की साझेदारी करते हुए रेलवे जैसी धाकर टीम को 10 विकेटों से हरा दिया। पूरी आई नहीं भाई, इस हिसाब से मारा था कनेक्ट। चलिए चलते चलते नजर डाल लेते हैं अब तक की प्रमुख हेडलाइंस पर। स्ट्रॉन्ग रूम की रखवाली कर रहे हैं केंद्रीय रिजर्व बल पीएसी और पुलिस के जवान। 14 को होगा मतगणना, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। चुनाव प्रेक्षक और रिटर्निंग ऑफिसर ने मतदान की स्क्रूटनिंग, प्रत्याशी और उनके प्रतिनिधि रहे मौजूद। गोलघर स्थित साड़ी की दो दुकानों में चोरों ने सेध काटकर लाखों की नकदी उड़ाए। चाबी लेकर वोट डालने घर गए बिजली विभाग के एक कर्मचारी की वजह से उपभोक्ता हुए घंटों परेशान। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विजय बहादुर पाठक ने 11 जिलों के विस्तारकों के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सभी गांव और मंडल स्तर पर सुनने की तैयारी की समीक्षा। मतगणना कार्मिकों को दिया गया प्रशिक्षण, मतगणना की बारीकियों की दी गई जानकारी। नवलकांत तिवारी यूपी 100 डायल और नमामि गंगे परियोजना के ब्रांडिंग के लिए नोडल बनाए गए। गीता वाटिका में श्रीमद् भागवत महापुराण का हुआ समापन। अंतिम दिन श्री कृष्ण विवाह कथा को सुनकर झूम उठे भक्त। और अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी ने रेलवे वर्कशॉप टीम को किया 10 विकेटों से चित।
तो कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।